Assalamu alaikum guys hope you are doing well so in this video i will show you important tips and tricks how to become a successful amazon seller बिकॉज स्टार्टिंग तो में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अमेजोन पे स्टार्टअप करते हैं बट वो स्टार्टिंग में ही स्टक हो जाते हैं फॉर एज अ न्यू भी और जो प्रीवियसली कुछ अमेजन पे सेलिंग कर रहे हैं तो वो कौन से ऐसी मिस्टेक्स वो करते हैं जो कि स्टार्टिंग में स्टक हो जाते हैं या कौन से ऐसे प्रोडक्ट लगा लेते हैं जिसकी वजह से स्टक हो जाते हैं और आगे ग्रो नहीं कर सकते तो कुछ ऐसी वो मिस्टेक्स वो करते हैं जिसकी वजह से वो अमेजन की कुछ वायोलेशन करते हैं जो कि स्टक हो जाते हैं और उनका मोस्टली सम टाइम अमेजन अकाउंट भी डिएेटिव कर देता है अब अमेजन का अकाउंट क्यों डिएक्टिव करता है तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल वाइज सारा बताऊंगा कि आपने अमेजन पे सक्सेसफुल कैसे बनना है किस किस तरह की प्रोडक्ट सेलिंग करनी है और किन चीज़ों को आपने फॉलो करना है अमेजोन की कौन कौन सी पोलिस को आप फॉलो करना है और अकाउंट डीएक्टिवेशन से कैसे बदना है तो बहुत ही डिटेल में आपको सारा बताऊंगा ताकि आप इस चीज़ से सिक्योर हो जाएँ कि अमेजन पे एज अ आप सेलर काम कर रहे हैं आपको किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा अगर तो आप उस पर फॉलो करते हैं तो आप अमेजोन पर बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ होती है ना एज अ सैलर अकाउंट हमारे अकाउंट की ग्रोथ होती है अगर तो आप अमेजन पे सेलिंग कर रहे हैं अगर आपका न्यू अकाउंट है स्टार्टिंग में आपने अपने अकाउंट की ग्रोथ करनी होती है अगर तो आप उसमें स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लगा देते हैं तो वैसा नहीं कि जस्ट आप एक प्रोडक्ट लगा के बैठ जाए उसी का वेट करें कि मुझे कब उसमें सेलिंग होगी क्योंकि उसमें प्रॉफिट आएगा रेवेन्यू आएगा दैट्स नॉट अ गुड डील ओके सो अगर आपने अमेजन पे सेलिंग करनी है तो आपको एटलीस्ट दो से तीन प्रोडक्ट लगानी चाहिए कुछ लोग होते हैं स्टार्टिंग में अमेजन पे इनिशियट लेते हैं वो कहते हैं कि मैंने स्टार्टिंग एक प्रोडक्ट से करूँगा अगर मुझे रिजल्ट अच्छे मिले तो मैं और इन्वेस्ट करूँगा और प्रोडक्ट लगाऊंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई वांट टू से कि जब आप स्ट्रक होते हैं दैट इज मेन रीजन व्हाई यू वांट टू स्ट्रक क्यों आप स्ट्रक होते हैं ठीक है क्या आपकी रीजन होती है स्ट्रक होती है सिर्फ यही होती है कि स्टार्टिंग जब आप इनिशियल लेते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट से लेते हैं दैट्स नॉट अ गुड वे ठीक है अगर आपने काम करना है तो आपको एटलीस्ट थ्री प्रोडक्ट से स्टार्टअप लेना होगा अगर आपका सर्कल जब कंप्लीट होगा आपको पता होगा कि मेरी एटलीस्ट थ्री प्रोडक्ट्स लगी हुई है उसके अगर आप स्टार्टिंग पर्पस के लिए आप थर्टी टू फिफ्टी दैट्स गुड यू कैन इजिली गो एट विद आपको टेस्ट आउट कर सकते हैं सो so ये कुछ मेन पॉइंट है अगर उसमें देखें एटलीस्ट अगर आपको उसमें प्रॉफिट कम भी आ रहा है यू कैन इजिली गो एट विद ठीक है स्टार्टिंग में कभी भी हमारा न्यू अकाउंट हो तो आपने प्रॉफिट को नहीं देखना स्टार्टिंग में लोग कहते अमेजोन पे वो कहते कि हमें, कितना profit हमें तो इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है हम इसमें प्रोफिट नहीं हो रहा है उसके साथ नहीं जाते सो दैट इज द मेन रीजन वेर यू स्टक ठीक है तो आपने कभी भी स्टार्ट में प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना अगर तो आपको ब्रेक इवन पे निकलती है निकाल दें एटलीस्ट वन डॉलर भी आपको प्रॉफिट आ रहा है दैट इज गुड यू कैन इजिली गो एट विथ दैट ओके सो स्टार्टिंग में प्रॉफिट को ना देखें अगर तो अकाउंट की ग्रोथ करनी है अगर सक्सेसफुल सैलर बनना है तो इस टीप को आपको हंड्रेड फॉलो करना होगा ठीक है तो अब इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में कभी प्रॉफिट ना देखें आपको पता है कि मुझे इसमें एटलीस्ट वन डॉलर प्रॉफिट आ रहा है टू डॉलर आ रहा है लगा दें कोई मसला नहीं है एटलीस्ट आपके अकाउंट की ग्रोथ तो बनेगी, आपका कुछ रेवेन्यू तो जनरेट होगा आपकी सेल हिस्ट्री जनरेट होगी अमेजन पे सैलर का आपका को नेम तो आएगा अकाउंट हेल्थ तो आपकी अच्छी होगी जब एज इसमें आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो दूसरी मेन चीज़ यही है कि आप जब स्टार्टिंग करें तो एक प्रोडक्ट पे कभी भी ना लगाएं वहाँ पे आप स्टक हो सकते हैं आपको बाय बॉक्स में इशू आ सकता है प्राइस वार आ सकती है आप उसमें स्टक हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे एटलीस्ट स्टार्टअप करना है एटलीस्ट आप तीन प्रोडक्ट से स्टार्टअप करें आप किसी भी मार्केट में काम करें आप यूएस में कर रहे हैं यूके में कर रहे हैं यू में कर रहे हैं किसी भी मार्केट में करें इन रूल्स को आपने लाजमी फॉलो करना है और एज अ बीनर और एज अगर आप ओल्ड सेलर भी काम करें तो इन चीज़ों को आपने लाजमी फॉलोअप करना है ये आपको एक अच्छी रेटिंग आपको लेके दे सकता है अकाउंट की हेल्थ ग्रोथ अच्छी करके दे सकता है बिकॉज हमारा मेन मकसद पर अमेजोन पर सेलिंग करने का ही होता है हम ग्रोथ अच्छी करेंगे तो उसके बाद हमें प्रॉफिट आएगा स्टार्टिंग में हम कुछ पाकिस्तानी लोग इस तरह की सोच होती है कि जब वो अमेजन पे स्टार्टअप करते हैं तो वो जस्ट प्रॉफिट के लिए आते हैं ना कि ग्रोथ के लिए आते हैं कुछ लोगों का माइंड बिजनेस वाला होता है वो अपने बिजनेस के लिए आते हैं स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं देखते अपने अकाउंट की ग्रोथ देखते हैं कभी भी हम बिजनेस सेटअप करते हैं चाहे अमेजन के अलावा कोई भी बिजनेस सेटअप है हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो हमारा बिजनेस ऊपर लेवल पे आए स्टार्टिंग में कुछ उसके एडवर्टाइजमेंट भी करें या तो आपको एडवर्टाइजमेंट की भी कॉस्ट नहीं पड़ रही है अमेजो के अपने कस्टमर्स हैं अमेजोन आपको खुद सीधा ला के दे रहा है स्टार्टिंग हमेशा अपने बिजनेस की ग्रोथ करें देन उसके बाद उसको प्रॉफिट में लेके जाएं अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे आप बिजनेस में कभी भी आप डाउन नहीं जा सकते ठीक है तो अमेजोन भी सबसे ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत लाजमी है एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि जब आप अमेजोन सेलिंग कर रहे हैं तो आपको अमेजोन की पॉलिसीज का पता होना चाहिए आप भी पॉलिसी को वायलेट नहीं करना

If you violate this policy, your account will be deactivate. Amazon directly आपका account deactivate करता है, आपको product authenticity complaint डाल देता है। अगर तो amazon पे selling कर रहे हैं तो अगर आपको direct या तो फिर direct brand से काम करें या उसके authorized supplier के साथ काम करें, so that will be very good for you. ठीक है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अकाउंट की ग्रोथ इस तरह करनी है और अगर सक्सेसफुल सेलर बनना है तो आपने हमेशा एमेजो की पॉलिसी को फॉलो करना है देखिए आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो आपको सारा उसमें देखते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं उसकी पॉलिसीज को रीड आउट करते हैं इस तरह आपने जो भी बिजनेस स्टार्टअप करना है एमेजो पर बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो एमेजोन की सारी पॉलिसीज का आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी पॉलिसीज को आप फॉलो कर रहे हैं कौन सी फॉलो नहीं कर रहे हैं आपको ये चीज़ पता हो कि अगर मैं अमेजन की इस पॉलिसी को वायोलेट करेंगे तो उसके रिजल्ट मुझे क्या मिल सकते हैं अगर सक्सेसफुल सेलर बन रहे हैं तो आपको अमेजोन पे सारी पोलिस को रीड आउट करना पड़ेगा सेलिंग पोलिस क्या 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 है अमेजोन किस चीज़ से अवॉइड आपको करने को कह रहा है कौन कौन सी चीजें आपको कह रहा है आपने उसी को ये फॉलो करना है अगर अमेजन कह रहा है कि आपने रेप्लिका प्रोडक्ट्स आपने नहीं सेल करनी काउंट फेयर प्रोडक्ट नहीं सेलिंग करनी तो आपने बिल्कुल डेफिनेटली वो नहीं करनी जो 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 की पॉलिसीज हैं अगर आप उनको फॉलो करेंगे अमेजन कभी भी आपका कुछ नहीं कहेगा लोग कहते हैं कि मैंने अमेजोन स्टार्टअप किया था मेरा अकाउंट डेक्टिव हो गया तो अब देखें बिला वजह अमेजोन कभी भी अकाउंट डी करता करता अब Amazon पागल नहीं है कैसे कोई आपने सैलर ने बनाया अकाउंट वगैरह उसने प्रोडक्ट लगाए और अमेजोन का अकाउंट डी एक्टिव करें विदाउट एन रीजन Amazon विल नॉट deactivate योर अकाउंट ठीक है तो आपने जब भी अमेजोन पे सेलिंग करनी है पुलिस को सारी डाउट करें ताकि अमेजोन को भी पता हो कि आप उसकी पुलिस के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं अगर तो आप उसके किसी को भी वायलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपका अकाउंट डिटिव हो जाएगा कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अभी जस्ट अभी अकाउंट बनाया ही है तो मेरा अकाउंट डी एक्टिव हो गया अभी मैंने प्रोडक्ट लिस्ट की थी या नहीं भी की थी वो जस्ट एमेजन वेरीफिकेशन के लिए करता है आपकी आइडेंटी वेरीफाई करता है आपकी आई डिटेल्स वेरीफाई करता है आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करता है आपका अकाउंट ओपन कर देता है जस्ट आपकी वो टेस्टिंग कर रहा होता है ये थेटिक काम बंदा भी है या नहीं है या किसी की और डिटेल ने कोई और यूज करके बना रहा है वो जस्ट वेरीफिकेशन के लिए होता है इनिशियल जो जब डीएक्टिव करता है ठीक है तो आपने सिर्फ इस चीज को फॉलो करना है कि अगर आपका डिएक्टिव हो भी जाता है तो आपको रीजन फाइंड आउट करने किस की किस वजह से रीजन हुआ है अकाउंट डिएक्टिव हमेशा एमेजोन की पॉलिसीज को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी कोई मसला नहीं होगा अगर एमजोन पे सेलिंग करनी है सिर्फ ये चार से पांच मेन पॉइंट्स है जिनको फॉलो करना है तो अगर आप एज अ बिगिनर अगर एफ बी सेलर काम करना चाहते हैं अगर एफ बी ए पर आप काम हैं मल्टीपल आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना चाहते हैं सप्लायर के साथ काम करना चाहते हैं आपको पता हो कि सबसे पहले मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है आप सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट को देख देखने अगर तो आपके पास एक दो हजार डॉलर भी है ना तो यू कैन इजिली स्टार्ट विद दैट ठीक है तो आप कैसे उसमें स्टार्टअप कर सकते हैं आपको ब्रांड मैंने वीडियो भी बनाई थी इस तरह आप छोटे ब्रांड के साथ स्टार्टअप करें हमेशा जब भी एज आप बिगिनर आप स्टार्टअप करें हमेशा छोटे ब्रांड के साथ स्टार्टअप करें कभी भी बड़ा ब्रांड आपको स्टार्टिंग में न्यू अकाउंट पे जल्दी अप्रूवल नहीं देता बट छोटे आपको ब्रांड्स वगैरह आपको सप्लायर वगैरह अप्रूवल दे देते हैं आप उनकी प्रोडक्ट्स लगा के एटलीस्ट हम आपके अकाउंट की ग्रोथ कर सकते हैं कम भी प्रॉफिट आ रहा है दैट इज गुड आप ईजीली उसके साथ जा सकते हैं आप प्रोडक्ट को लिस्ट आउट कर सकते हैं उस पर सेल्स कर सकते हैं ईजीली ठीक है तो आपने ये चीज़ लाजमी करना है और इस इसमें मैंने वीडियो का लिंक भी साथ डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा कि जब आप उसमें प्रोडक्ट लिस्ट करें आप इनके ब्रांड के साथ काम करने छोटे आपने ब्रांड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं उनको रीच आउट कैसे करना है प्रोपर डिटेल में वीडियो बनाई है और इस वीडियो से काफी ज्यादा लोगों को हेल्प आउट भी हुई है और उन्होंने काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स निकाल के मुझे दिखाई भी है कि हमने इन सप्लायर से इस ब्रांड की ये वाली प्रोडक्ट इतनी प्रॉफिटेबल निकाली भी है तो बहुत अच्छा लगता है जब जो एक वीडियो के थ्रू जब स्टूडेंट्स काम करते हैं वो प्रोडक्ट्स अच्छी निकालते हैं वो दिखाते में कि ये अपने ब्रांड से अप्रूवल मिला है तो ये निकाल ली तो बाकी कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं वो मैं वीडियो कंप्लीट देखिएगा जिसमें ब्रांड्स अप्रूवल पे काम किया गया एज अ बिगिनर एज अ न्यू भी अगर आप अमेजन पे एफ बी होल सेल स्टार्टअप करना चाहते हैं आप बिल्कुल उसमें अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छे ब्रांड्स को आप अप्रूवल ले सकते हैं उनको रीच आउट कैसे करते हैं सारा उसमें डिटेल वाइज बनाया गया तो हमेशा ये चार से पांच जो टिप्स हैं इनको फॉलो अप करना है मैं गेन उसमें बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने करनी अकाउंट की ग्रोथ आपके अकाउंट की ग्रोथ अच्छी होगी आपका अकाउंट की हेल्थ अच्छी होगी आपको सर्वाइव करना ईजी हो जाएगा अमेजन की फील्ड में कभी भी आपको कोई इशू नहीं आएगा तो अगर तो स्टार्टअप कर रहे हैं तो एटलीस्ट तीन प्रोडक्ट से स्टार्टअप करें ना कि एक प्रोडक्ट से एट प्रोडक्ट लगाएंगे तो आप उसमें स्टक हो सकते हैं प्राइस वार आ सकती है कोई भी मसला हो सकता है अगर आप तीन प्रोडक्ट में लगाएंगे आपको पता है को अगर मेरी एक प्राइस या प्रोडक्ट की कॉस्ट डाउन जाती है एक में प्राइस वार आती है आप दूसरी तो आपकी सर्कल में रहेगी दूसरी नहीं तो तीसरी आपकी सर्कल में रहेगी एटलीस्ट आपका अकाउंट एक रनिंग में रहेगा प्रॉपर आपका एक सर्कल कंप्लीट होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा एंड द मोस्ट थिंग इज दैट कि अमेजोन पे आपने किसी भी पॉलिसी को वायलेट नहीं करना अमेजोन पे हमेशा काम करने से पहले सीख लें उसको अच्छी तरह जिससे भी आप सीखें आप सबसे पहले काम को सीखें कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करें आपको सबसे पहले उसको सीखना चाहिए कि अगर मैं इसमें स्टार्टअप करता हूँ तो मुझे इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं अगर मैंने इसमें सक्सेसफुल होना है तो मुझे किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा डेफिनेट सी बात है अगर किसी के प्लेटफॉर्म पे आप काम कर करें अब अगर एमेजन पे प्लेटफॉर्म पे, पे काम कर रहे हैं शोपे पे कर रहे हैं ई पे कर रहे हैं तो आपको उनकी पॉलिसीज़ को फॉलोअप करना पड़ेगा ना कि वायलेट करना पड़ेगा डेफिनेटली सी बात है जब आप उनकी पॉलिसीज़ को वायोलेट करेंगे तो आपका अकाउंट भी डीएक्टिव कर देंगे अमेजोन ने अगर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, अगर आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अगर आपको अपने कस्टमर्स ला के दे रहा है स्टोर बना रहे हैं आपको ईच एंड एवरी प्रोवाइड यहाँ पे रहा है तो आलसो आपको इस चीज़ों को केयरफुली देखना पड़ेगा आपको उनकी पॉलिसी को भी फॉलो करना पड़ेगा अगर अमेजोन के साथ अच्छा चलेंगे तो अमेजन भी आपके साथ अच्छा चलेगा कोई मसला नहीं करेंगे अमेजोन भी आपके साथ मसला नहीं करेगा इसीलिए हमेशा अमेजोन की सेलिंग पॉलिसी को हमेशा सारी फॉलोअप करना है आपने और अगर स्टार्टिंग में इनिशियल लेना है आप दो तीन हज़ार डॉलर से भी एक दो हज़ार डॉलर से भी स्टार्टअप ले सकते हैं छोटे ब्रांड के साथ काम कर लें छोटे सप्लाई के साथ काम कर सकते हैं उसके डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है साथ लिंक भी लगाया आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अगर आप इनको फॉलो करते हैं आप एक बहुत ही अच्छी अमेजोन सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं अगर इसके अलावा भी आपको कोई इशूज़ वगैरह आते हैं तो आप उनको भी ईजिली डील कर सकते हैं अमेजन की टीम है आपको कोई असला मसला वगैरह आता है लोगों को ये मसला मुझे ये मसला आ गया मेरे अकाउंट का ये मसला अमेजन की टीम किस लिए आप उनसे रीच आउट करें उनकी ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करें उनको कॉल करें अगर आपकी कॉल की एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है आपकी स्किल इतनी अच्छी इंग्लिश की नहीं है आप उनको मेल कर लें मेल के थ्रू आप उनकी बात कर सकते हैं ईजीली एमेजोन आप उस पर रिस्पॉन्स करेगा आपको बताएगा कि ये मसला आ रहा है उसका सोल्यूशन ये है ताकि जब आप अमेजो की डायरेक्टली सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट में होंगे तो आपको किसी किस्म का मसला नहीं आएगा आप थर्ड पर्सन को हायर नहीं करना पड़ेगा आपको मसला अमेजोन की सपोर्ट टीम इसीलिए तो आपके बैठी है अमेजोन की सैलरी यूनिवर्सिटी है यूट्यू पे एमेजोन के अंदर है अमेजन सैलरी डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो उनकी सैलरी यूनिवर्सिटी है आप उनकी इजिली आपको हर एक चीज़ की आपको डिटेल वाइज उनको बताया गया आप हमेशा उनको फॉलो करें होप सो so. आपको काफ़ी ज्यादा समझ आई होगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सही आप उनको फॉलो करें इन शाह यू विल भी वेरी गुड रिजल्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल थैंक यू